हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन रिलेटेड टू फैराडे लॉज। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द फैराडे लॉज, दैट्स आर फर्स्ट लॉ फैराडे एंड सेकेंड लॉ फैराडे। मोस्टली एग्जाम में आपके फर्स्ट लॉ फैराडे का स्टेटमेंट पूछा जाता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। करंटली 2020 बोर्ड एग्जाम में आपका फैराडे लॉ पूछा गया था। अब इसके न्यूमेरिकल्स के चांसेस नेक्स्ट एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ध्यान से न्यूमेरिकल समझना है। मैंने आपको टू न्यूमेरिकल्स यहाँ पर गिवन है, इनको अपन सोल्व करेंगे वन बाय वन। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट क्या है अपना, कॉपर सल्फेट है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। अब अपन उसमें क्या कर रहे हैं, 10 मिनट्स तक उसको अपन क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो ड्यूरिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। विद ए करंट, अब उस जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट है वो कितना है, 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, ये कह रहा है कि कितना मास डिपॉजिट होगा। तो अपने पास में लैंग्वेज से आपको पूरा क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस न्यूमेरिकल, क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। तो ड्यूरिंग आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस कैथोड पर कितना मास डिपॉजिट होगा, किसका, कॉपर का, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज कॉपर सल्फेट। क्लियर, देखिए बेटा अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है उसमें देखो आप गिवन डाटा क्या है वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले अपने पास में आई की वैल्यू गिवन है, आई है अपने पास में 10 मिनट्स, इसको आप चेंज कर सकते हो 10 into 60, दैट मीन्स हो गया आपका 600 सेकेंड। क्लियर, उसके बाद में सॉरी ये टी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बेटा, ये टी की वैल्यू है, राइट, टाइम। फिर बात करते हैं किसकी, आई की वैल्यू दे रखी है अपने पास में 1.5 एम्पियर, तो दे रखा है बेटा 1.5 एम्पियर, और आपसे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, आपका एम की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, एम डिपॉजिट मास ऑफ कॉपर। क्लियर बेटा, अब इसमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। वी यूज द फर्स्ट लॉ फैराडे, दैट इज एम इज इक्वल टू ई अपॉन एफ आई टी। मैंने कहा था आपको प्रीवियस क्लास में कि ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये था बेटा, एम इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इंटू आई टी, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का फाइनल फॉर्मूला। यहां पर अपन को एम फाइंड आउट करना है, आई आपको गिवन है, टी गिवन है, बट ई और एफ गिवन नहीं है। इसके लिए देखिए आप, इन दिस सेल सी यू एसओ फोर आयोनाइज्ड इन Cu+2 एंड SO4-2। अब कैथोड पे कौन जाएगा, Cu+2, तो Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, Cu सॉलिड। ये किसकी रिएक्शन होगी बेटा, कैथोड की रिएक्शन होगी, किसकी होगी आपकी, कैथोड की रिएक्शन, राइट। अब E4 क्या है आपका, इक्विवेलेंट वेट, क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते अपन, मोलर मास अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन में अपने पास में क्या यूज आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात एक ही है, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट से कर लो या इन रिडक्शन, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज, कितने इलेक्ट्रॉन यूज आ रहे हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन यूज आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन यूज आ रहा है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यूज आ रहा है,
ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में, कॉपर का जो वेट होता है आपका वो होगा आपका 63, और कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी कितना है आपका +2, कैसे भी आप यूज कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर +2 में 2 है, और अपने पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो दोनों ही वे में अपने पास में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या जाएगा, 63/2, राइट। जो F की वैल्यू है बेटा, वो F की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, 96500 ग्राम पर, सॉरी कूलाम पर मोल, क्या हो जाएगी, कूलाम पर मोल। सारी चीज गिवन है अपने पास में। अब देखो M इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी रखे अपन, 63/2, F की वैल्यू रख दो आप 96500 इंटू, I की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 600, किसकी वैल्यू है, T की वैल्यू सेकंड में है, दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर M इज इक्वल टू इन सब को अगर अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो अपने पास में 0.2891 ग्राम इसका आंसर आता है, दैट इज द डिपॉजिट मास ऑफ कॉपर एट कैथोड, 0.2891 ग्राम, 0.2891 ग्राम कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, दैट इज क्लियर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल। कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए बेटा डाउट यहाँ पर, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको गिवन लैंग्वेज में, देखो हर न्यूमेरिकल में बार बार मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूँ कि गिवन न्यूमेरिकल में लैंग्वेज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वैल्यू कंसिडर एज फॉलोइंग फॉर्मूलाज, और उनको कैसे पुटअप करना है, कोई वैल्यू चेंज करनी है, क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो क्लियरली आपको समझ में आएगा। अब जब मूव करते हैं अपन सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर, सेकेंड न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या है बेटा, देखो वैन 0.2 एम्पियर ऑफ करंट अपने पास में क्या कर रहा है, वो 0.2 एम्पियर ऑफ करंट पास करवा रहा है फॉर 50 मिनट्स, कितने मिनट्स कर रहा है, 50 मिनट्स थ्रो सॉल्यूशन, वही लिया अपन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन 0.1978 ग्राम ऑफ कॉपर इज लिबरेटेड, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, किसके लिए बात कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, दैट मींस आपसे ये W फाइंड आउट करवा रहा है, क्या करवा रहा है बेटा W। तो आपको गिवन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको T कितना गिवन है, देखो 50 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए, 50 मिनट्स गिवन है, इसको सेकंड में चेंज कर लो, 50 × 60 तो हो गया आपका 3000 सेकंड, दैट इज क्लियर। I की वैल्यू दे रखी है 0.2 एम्पियर, आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये, M की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, M इज इक्वल टू है 0.1978 ग्राम, क्लियर। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पर अपने पास में किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ये W की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, W दैट इज द क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज क्लियर। कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए, सारी वैल्यू अपन ने आइडेंटिफाई कर ली। अब देखो वी नो डेट सब में क्या लग रहा है आपका, फर्स्ट लॉ फैराडे लग रहा है, वी नो डेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को, नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो जाएगा। अब आप क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था M इज इक्वल टू डब्ल्यू आई टी, फॉर्मूला था क्या, M इज इक्वल टू डब्ल्यू आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M अपॉन आई टी, M अपॉन आई टी,
तो यहां से अगर अपन क्या करें, वैल्यू पुट अप करें एम की 0.1978, एम की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू कितनी है 0.2 × 3000 सेकेंड। बात क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आता है अपने पास में 3.3 × 10⁻⁴, 10⁻⁴। अब देखो, पिछले वीडियो में अपने जो फर्स्ट लॉ फेराडे अपन ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, वहां पे बाय मिस्टेक में आपको बताना भूल गया। तो देखिए, यूनिट ऑफ, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, यूनिट ऑफ डब्ल्यू मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी। तो देख लीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, एम अपॉन आई टी, राइट। तो एम को किस में लेते हैं अपन, ग्राम में, आई होता है एम्पेयर में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एम्पेयर इनवर्स, और टी सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड इनवर्स। दैट इज क्लियर? तो यहाँ पे लिख दीजिए 3.3 × 10⁻⁴ ग्राम, एम्पेयर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। दैट इज क्लियर? दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान से, इस कंडीशन में आपके पास में अपन को गिवन है, देखो इधर, यहां बता देता हूं मैं आपको, W इक्वल टू क्या गिवन है अपने पास में, M अपॉन आई टी, इफ I इक्वल टू हो जाए 1 एम्पियर और T हो जाए अपने पास में 1 सेकेंड, उस कंडीशन में M इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। व्हेन इन ए कंडक्टर, जो कंडक्टर है, या फिर अपन जो सेल ले रखा है, या फिर अपन ने जो वायर ले रखा है उसकी बात करें अपन, वायर भी हो सकता है बेटा, सेल भी हो सकता है, कोई कंडक्टर रोड भी हो सकती है, क्लियर। तो उसके लिए अगर अपन आई 1 एम्पियर करंट को अपन अगर 1 सेकेंड प्रोवाइड करवाएं, तो जो डिपॉजिट मास होगा वही क्या होगा उसका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दैट इज क्लियर? कोई डाउट है? ये आपके दोनों न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन हो गया। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको SW में गिवन है, उसको आप सोल्व कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।